अंबिकापुर से नशीली दवा बिक्री मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध की तलाशी ली, जिसके पास से नशीले इंजेक्शन मिले हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा की नशीली दवा बरामद की है। साथ ही एक बाइक भी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। सरगुजा में अभी नशे के अगेंस्ट में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू गुप्ता है अवैध नशीली इंजेक्शन को लेकर घूम रहा है, जिस पर मरीन ड्राइव के पास में हमने अपने स्पॉटर्स लगा कर रखे हुए थे और उसी जगह पे हमने उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त किया। और उसके जब तलाशी ले गए तो उसके पास से टोटल 48 नग नशीली इंजेक्शन बुप्रेनॉर्फिन पाया गया।